हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर, पीजीटी मैथ्स। बेटा, 11th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3.6 चल रही है। इस एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन तक हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ये क्वेश्चंस बेटा सारे के सारे प्रूव करने के हैं। इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, देखिए, साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस वाई। बेटा आपको दो रिजल्ट्स बता रखे हैं, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। सीधे फॉर्मूले लगी है, इसका फॉर्मूला होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे माइनस हो जाएगी बीच में, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स इंटू कोस वाई से डिवाइड करेंगे तो कोस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट एक्स। कोस एक्स कोस वाई से कोस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट वाई। कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड करेंगे कोस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट एक्स। इसको कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड करेंगे कोस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट वाई। यही आपके पास है राइट हैंड साइड, क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के 3 रिजल्ट्स लगे हैं, एक तो साइन ए प्लस बी, एक साइन ए माइनस बी और दूसरा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स। क्लियर हो गया? इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8th में। 8th क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, 8th क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये रिजल्ट लगाया जाए। ठीक है, तो इसके अंदर बिल्कुल वो कि वो चारों फॉर्मूले लगेंगे। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, बीच में प्लस ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं। साइन ए माइनस बी ये होता है साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी डिवाइडेड बाई, इसको एक्सपेंड करेंगे कोस ए प्लस बी को तो ये होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, बीच में प्लस है ब्रेकेट की कोई जरूरत नहीं, माइनस होती तो ब्रेकेट लगाते। कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कोस बी, और कोस ए कोस बी को कोस ए कोस बी ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ कोस ए कोस बी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस बी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा टेंजेंट ए। यही राइट हैंड साइड है, ये आपने बेटा प्रूव करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th की लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी, साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन सी साइन ए, साइन सी इंटू साइन ए, इसको आपने जीरो प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी डिवाइडेड बाई
साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी, वही फॉर्मूला लगाइए, साइन बी कोस सी माइनस कोस बी साइन सी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन सी कोस ए माइनस ए कोस सी साइन ए डिवाइडेड बाई साइन सी इंटू साइन ए। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं, इसके बटे में करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा कोट बी माइनस, इसके बटे में करेंगे तो साइन बी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट ए क्लियर प्लस, इसके बटे में करेंगे तो साइन बी से साइन बी कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा कोट सी माइनस, इसके बटे में ये तो कैंसिल हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा साइन सी कोट बी क्लियर है। फिर प्लस इसके बाद जब इसके बटे में करेंगे साइन सी कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा कोट ए माइनस, ये कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा कोट सी। अब बेटा देख रहे होंगे आप सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, कोट बी कैंसिल होगा, कोट सी से कोट सी कैंसिल होगा, कोट ए से कोट ए कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, यही राइट हैंड साइड है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगाया गया है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा, एक तो ये रिजल्ट लगाया गया है और ए बी फॉर्मूले आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। पहले बताए थे आपको साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। इसके बाद एक कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक तो ये रिजल्ट था बेटा, दूसरा कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और जब माइनस लगेगी तो यहां पर प्लस हो जाएगी, क्लियर हो गया, ऐसा था, ये दो रिजल्ट थे। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर टेंथ, टेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखिएगा, टेंथ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रखी है टेंजेंट टू अल्फा, टेंजेंट टू अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा, हर टर्म को साइन कोस में तोड़ दो, ये आपके पास हो जाएगा साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाई कोस टू अल्फा माइनस, ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। अब आप यहां से एलसीएम ले लो, एलसीएम आपके पास आ जाएगा कोस टू अल्फा इंटू कोस अल्फा, तो आपके पास क्या हुआ साइन टू अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस कोस टू अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन गया। अब आप इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, रिजल्ट उल्टे सुलटे दोनों तरीके से याद होना चाहिए, होता है साइन ए माइनस बी, ये आपके पास है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, और डिवाइडेड बाई आपके पास है कोस टू एल्फा इंटू कोस एल्फा, ठीक है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बने है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, क्या होता है साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया है। अब यहाँ साइन टू एल्फा में इस एल्फा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन एल्फा डिवाइडेड बाई कोस टू एल्फा इंटू कोस एल्फा, अब एंगल सेम है तो आप उनको इकट्ठा भी कर सकते हो, जब आप इनको इकट्ठा करोगे तो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा तो जाएगा टेंजेंट अल्फा, और कोस ऊपर जाकर हो जाएगा सीकेंट टू अल्फा, क्लियर हो गया, यही आपके पास राइट हैंड साइड है, ये आपने बेटा प्रूव करना था। ये था टेंथ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, अब चलते हैं टेंथ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, टेंथ क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास, देखिए
टेंथ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है कोट टू अल्फा, कोट टू अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा। कोट को आप क्या लिखोगे, कोस टू अल्फा डिवाइडेड बाई साइन टू अल्फा। टेंजेंट को क्या लिखोगे, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। अब यहाँ से एलसीएम आपके पास आ जाएगा साइन टू अल्फा इंटू कोस अल्फा, इसे डिवाइड करेंगे कोस टू अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस, इससे जो ये कैंसिल हो गया साइन टू अल्फा इंटू साइन अल्फा। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाई साइन टू अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब ये आपके पास हो जाएगा कोस थ्री अल्फा डिवाइडेड बाई कोस अल्फा इंटू साइन टू अल्फा, यही राइट हैंड साइड है, ये आपने प्रूव करना था। ठीक है बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th के फर्स्ट पार्ट में। 11th के फर्स्ट पार्ट में भी प्रूव करना है आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है कोट टू एक्स, कोट टू एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। अब इसको साइन और कोस में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया कोस टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। अब आप यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपके पास हो गया साइन टू एक्स इंटू कोस एक्स, इससे डिवाइड करेंगे कोस एक्स हो गया कोस टू एक्स इंटू कोस एक्स, इससे डिवाइड करेंगे साइन टू एक्स इंटू साइन एक्स। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया ये होता है कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला था कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूले लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट दोनों तरीकों से आपको याद होना चाहिए बेटा। ये आपके पास है साइन टू एक्स और ये है कोस एक्स। अब आपके पास ये हो गया कोस एक्स, यहाँ पे है साइन टू एक्स और यहाँ पे है कोस एक्स, कोस एक्स से कोस एक्स क्या हो गया, अब आपके पास बच गया वन अपॉन साइन टू एक्स, साइन ऊपर जाकर क्या हो जाएगा कोसिकेंट टू एक्स, और यही आपके पास है राइट हैंड साइड है बेटा। इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है टेंजेंट पाई बाई फोर प्लस एक्स इंटू टेंजेंट पाई बाई फोर माइनस एक्स। अब आप यहाँ पे टेंजेंट ए प्लस बी का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन वन माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। यहाँ टेंजेंट ए माइनस बी का लगाएंगे तो टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन वन प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, ये रिजल्ट्स थे। अब यहाँ पर टेंजेंट पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है वन, वो वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा वन प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन वन माइनस टेंजेंट एक्स, इधर क्या हो जाएगा वन माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन वन प्लस टेंजेंट एक्स। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा वन, यही राइट हैंड साइड है। क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 12th में। अब 12th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये भी प्रूव करने का बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है टेंजेंट पाई बाई फोर प्लस एक्स, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन वन माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। हमने एक रिजल्ट यूज कर लिया
टेंजेंट पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है, क्लियर है? तो ये आपके पास हो जाएगा वन प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन वन माइनस टेंजेंट एक्स। साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए, वन को वन बाई वन प्लस टेंजेंट एक्स को आप लिखोगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, वन को वन बाई वन टेंजेंट एक्स को आप लिखोगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स। यही आपके पास राइट हैंड साइड है, ऐसा आपने प्रूव करना था। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी राइट हैंड साइड उठाता हूँ, सिंपल होगा बिल्कुल आपके लिए। राइट हैंड साइड है टेंजेंट 74 डिग्री। टेंजेंट 74 डिग्री को हम टेंजेंट 29 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगी है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन वन माइनस ए टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। अब टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? वन। ये रिजल्ट हम यहाँ पर लगा देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट 29 डिग्री प्लस वन, वन माइनस ए टेंजेंट 29 डिग्री, ठीक है? अब इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए, जो टेंजेंट थीटा होता है उसकी जगह साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दीजिए। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन 29 डिग्री अपॉन कोस 29 डिग्री प्लस वन को वन बाई वन, वन को वन बाई वन, ये हो जाएगा साइन 29 डिग्री अपॉन कोस 29 डिग्री। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, साइन 29 डिग्री प्लस कोस 29 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 29 डिग्री माइनस साइन 29 डिग्री। यही राइट हैंड साइड है, ऐसा आपने बेटा प्रूव करना था। प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी राइट तो हम लेकर ही चले थे, लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुके, अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट, इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, मैं राइट हैंड साइड देकर चलता हूं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है टेंजेंट 35 डिग्री। टेंजेंट एज इट इज 35 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 10 डिग्री लिख रहा हूं। अब यहां पर आप टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन वन प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, क्लियर हो गया? तो ये रिजल्ट आपके पास बनया वन माइनस टेंजेंट 10 डिग्री अपॉन वन प्लस टेंजेंट 10 डिग्री। अब आप इसको साइन कोस में तोड़ दीजिए, वन को वन बाई वन माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन कोस 10 डिग्री डिवाइडेड बाई वन को वन बाई वन, ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री अपॉन कोस 10 डिग्री। अब दोनों जगह से एलसीएम तो कोस 10 डिग्री आएगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाई, यहाँ पे प्लस है बेटा, कोस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, यही आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड है। इस तरीके से बेटा ये पार्ट आपका प्रूव हो जाता है। तो 12th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट। इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट की भी हम राइट हैंड साइड ही लेकर के चलते हैं। तो राइट हैंड साइड आपके पास है टेंजेंट 56 डिग्री। टेंजेंट 56 डिग्री, टेंजेंट एज इट इज़
56 को लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री। 45 से क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि टेंजेंट 45 1 होता है। अब ये हो जाएगा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। अब टेंजेंट 45 क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 11 डिग्री। टेंजेंट को साइन कोस में तोड़ दीजिए तो आपके पास हो जाएगा कोस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। इस तरीके से बेटा प्रूव हो जाते हैं। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।